मैम, लोकसभा चुनाव एकदम से नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने टिकट डिक्लेयर नहीं किए, आप अपनी चुनावी तैयारी में लग गए हैं, क्या दावा ठोकती है इस बार, कितनी बड़ी जीत होने वाली? नहीं, मुझे दावा ठोकने, मैं ठोकने नहीं जा रही हूँ, और मुझे क्षेत्र में काम करने का दोबारा मौका मिला है और मैं मेनपुरी की जनता के बीच में रह के और इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहती हूँ। मैडम, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को CBI ने अपने समक्ष बुलाया, संबंध दिया है, कैसे देख रही हैं? जी पहले लीडर नहीं है अपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी ना किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अभी राज्यसभा में हाल ही में क्रॉस वोटिंग हुई, तो क्रॉस वोटिंग के पीछे भी कुछ खास वजह रही कि समझती हूँ कि जो कोलिशन हुआ है समाजवादी पार्टी का और जो इंडिया ब्लॉक का जो पूरा कोलिशन है, जो पूरी जो अलायंस में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो बहुत मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है और इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राशिद जी ने कहा कि तमाम तरह के बल प्रयोग करके उनसे क्रॉस वोटिंग कराएगी। जी, तमाम तरह के। जी, तो वो क्या कहना चाहते थे? मैं समझती हूँ तमाम तरह के बल प्रयोग हुआ है, चाहे डरा के हुए हो, चाहे कोई पैकेज देके हुआ होगा, और भाजपा खुद ही इतनी स्ट्रांग स्थिति में है, उसकी सरकार है सेंटर में, उसकी सरकार है स्टेट में, तो उसको क्या जरूरत है, तो इसका मतलब भाजपा घबराई हुई है कहीं ना कहीं।